अंकल के आप देख सकते हैं, अंकल के हाथ में कितनी दिक्कत है, एक बार दिखाइए अंकल आप। और फिर भी अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी नहीं हार मानना चाहिए सर। जब आपको दिक्कत आई तो आपने हार तो नहीं मानी? जी नहीं सर। क्या करा आपने ऐसा? ऐसा मेरे घर वाले भी हिम्मत बहुत दिए सर जी। दिए ना हिम्मत? जी हाँ, घर वाले मुझे बहुत हिम्मत दिए सर जी। उसको मैं कभी नहीं समझा कि मेरे घर वाले, मैं ये समझा कि मेरा ये जोड़ी दम्मा मेरा भाई है सर। बहुत बढ़िया, परिवार ने हिम्मत दिया। जी हाँ, बहुत हिम्मत दिए मेरे घर वाले सर जी। बेटी के लिए मैं बहुत प्रार्थना किया। बेटी के लिए कि मतलब भगवान बेटी दे दे, बेटी हो गई आपके अब तो, कि तो बड़े, ये तो बहुत किस्मत वाले हो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों, एक अंकल जी हैं जिनके जिनकी उंगलियां नहीं है हाथों की, पैरों में भी दिक्कत है और दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है, फिर भी वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, रेड लाइट के पास वो बैठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और पहले भी एक बार मैं उनसे मिला था, लेकिन 5 मिनट के लिए मिला था, ज़्यादा देर मैं इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई थी, लेकिन आज फिर मेरे को इनकी याद आई है, मैं इनके पास आया हूं इनकी मदद करने के लिए। मतलब बहुत नेक इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मतलब अंकल की बातें आपका दिल छू लेंगी और वीडियो बहुत प्यारी बनने वाली है। आपका भाई उनके पास जा रहा है बहुत प्यारा सा तोहफा लेकर, उनको बहुत पसंद आने वाला है वो तोहफा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है मेरी। आप वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और वीडियो को अच्छे से शेयर करना पूरे परिवार में। थैंक यू सो मच। देखो पहचाना, केले आ रहे, केले एक बार केले, याद आया कुछ? कैसे हो, बैठ जाऊं? कितनी मेहनत लगती है आपको अंकल, दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल परेशानी नहीं होती? कर लेते हो सारे काम? कभी दवाई ली थी, वो इरेक्शन कर गई थी। जब ये इस काम में आए इससे पहले की दिक्कत है ये, या इस काम में आने के बाद की दिक्कत है? ये जो हाथ में दिक्कत आई है आपको, अच्छा 20 साल के थे तब, तो ये दिक्कत आपको कब 20 साल के बाद आई? जब 20 साल के थे आप, तो दवाई आपने डॉक्टर से बिना पूछे खा ली थी या फिर कैसे? वहां पे गलत दवाई दे दी। अभी कितनी उम्र है अंकल जी आपकी? अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे बच्चों के लिए क्या लेके जाओगे, कुछ सोचा आपने? बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाओगे, या उनको कहीं कुछ खिलाने पिलाने लेके जाओगे, या क्या सोचा बच्चों के लिए? बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं। अच्छा, 7 साल का मेरा बेटी है। ओके ओके। 16 साल के बाद मेरा बच्चे हुए। 16 साल के बाद बच्चे हुए थे आपके? छोटा लड़का 12वीं पास कर गया था। ओके। बड़ा लड़का है वो स्कूल में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस दिवाली क्या सिंपल दिवाली मनाओगे, मतलब घर पे जैसे रोज की दिनचर्या होती है वैसे ही? पहले जैसा दिवाली नहीं रहा, पहले कैसे मनाते थे? पहले इस तरह से अच्छा होते थे, लोग में बोल विचार होते थे, बोल विचार होते थे लोगों में, अब वो वाली बातें नहीं रही हैं। तुम्हारी होली से मैंने ये दीपावली अच्छा लगता है। दिवाली अच्छी लगती है आपको? अच्छा, बम पटाखे लेके जाओगे? वो तो परमिशन नहीं है, उनको जलाना ही मत देना बच्चों को, घर पूजा पाठ करोगे बस। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अंकल जी से मैं बहुत पहले ही मुलाकात हो रखी है, अंकल जी के पास पहले भी आया था। अंकल के आप हाथ देख सकते हैं, अंकल के हाथ में कितनी दिक्कत है, एक बार दिखाइए अंकल आप। और फिर भी अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं। द्वारका, ये अंकल सेक्टर कौन सा है? सेक्टर चार अंकल बैठते हैं और बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, पैरों में भी दिक्कत है, हाथों में उंगलियां नहीं है। मैंने अंकल से सवाल पूछा कि अंकल दिवाली कैसे मनाओगे, तो अंकल ने वही एक जो एक गरीब आदमी बोलता है कि बेटा घर पे जाना, वापिस काम पे आना, घर जाना, ऑफिस काम पे आना, सारे त्यौहार हमारे लिए बराबर है। क्यों अंकल जी, कैसे मना पाएंगे जब भगवान ने जितना दिया उतने में खुश रहना पड़ेगा?
कुछ खाओगे लेकर आऊं आपके लिए? खाना खाया हुआ है? अच्छा 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 नहाओगे धोओगे उसके बाद भोजन करोगे, बहुत बढ़िया। बच्चे बच्चे सारे बड़े हो गए हैं? सारे मतलब हेल्प करते हैं आपकी अच्छे से? अच्छा आपके बराबर के हैं, तो उनको पढ़ाई करा रहे हो अच्छे से आप? तो पूरी बच्चों को पढ़ाई कराना अंकल जी, उनको ये दिन देखने ना पड़े। हाँ भगवान के हाथ में तो है लेकिन आपके हाथ में भी है, अगर आप इस लाइन में ले आओगे तो वो इस लाइन में काम करेंगे। इस लाइन में मत लेके आना अंकल जी आप। बेटी के लिए क्या चिंता आपको? बच्ची छोटी है। ओके ओके ओके। मैं दे आता हूँ अंकल जी, दे दो मेरे को आप। मेरे को पकड़ा दो आप। क्या नाम है अंकल का, भैया का? पैसे ले लिए? अच्छा लो सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, ये वापस लेके आने कुछ पैसे इतने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जमीन से उठे हुए इंसान अंकल जी, जमीन पे रहना अच्छा लगता है? 20 साल से यहीं पर है। हाँ 20 साल हो गए आपको? बिल्कुल संतुष्टि है? पैसे वैसे अच्छा खासा मतलब घर में खाना वाना हो जाता है? बाल बच्चे का हो जाता है। चलो परमात्मा की कृपा है अंकल, आपकी आपको इतनी बड़ी दिक्कत है उसके बाद भी आप घर चला रहे हो, ये बहुत बड़ी माता रानी की कृपा आपके ऊपर। घर वाले भी थोड़ा काम करते थे सोसाइटी में। अच्छा घर भाभी जो आपकी वाइफ है वो सोसाइटी में वर्क करती है? अच्छा अच्छा। तो अभी एक दो साल जब से लॉकडाउन हुआ जब से मैंने घर। ओके 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 ओके। मैंने कहा चलो बेटी को घर में देखो। समझ गया समझ गया। मैं बेटी के लिए मैं बहुत प्रार्थना किया हूं। बेटी के लिए कि मतलब भगवान बेटी दे दे, बेटी हो गई आपके अब तो कितने बड़े, ये तो बहुत किस्मत वाले हो आप। पटना मेरे बेटी को जटा है सर, पटना में फिर बाल उतरवाए हैं। पटना बाल उतरवाए हैं? अच्छा मतलब बेटी मांगी थी भगवान से आपने, बहुत किस्मत वाले हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब उनको ज्ञान दो आप, कुछ लोग तो कहते हैं हमारे घर बेटा हो जाए और आपने बेटी मांगी है। मैंने कहा मेरे सास का भी, सास का मेरे भी मंत्र पूरा था सर। अच्छा कि मैं दो नाती है तो मेरा एक नाती दे दो, एक बेटी दे दो भगवान से मांगा आपने, अब भगवान ने बेटी दे दी आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 साल के बाद हुआ है सर। अच्छा जी चलो आपकी बेटी कितनी बड़ी है बेटी आपकी? 7 साल की है। आपकी बेटी के लिए तोहफा दे रहा हूँ मैं, बेटी को जरूर देना आप, ठीक है? बेटी से लग रहा बहुत प्यार करते हो आप। अच्छा जो भी मतलब कहीं से आता है कोई दान पुण्य देके जाता है तो बेटी को दे देते हो? कितनी बड़ी बेटी है आपकी? 7 साल का। ये लो। ये प्यारा सा तोहफा है, कितने पैसे है ये? ये 1000 रुपए की गड्डी है, 10 रुपए की जो गड्डी होती है वो 1000 रुपए की होती है, तो सीधा जाके बेटी बेटी के लिए जोड़ के रखना पैसे। आपको चिंता है ना बेटी बड़ी होगी तो क्या होगा, तो पैसे जोड़ के रखना काम आएंगे आपके। गुल्लक में बेटी के नाम से अलग से पैसे जमा करा करो। करते हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंकल जी। हैप्पी दिवाली आपको, खुश रहो, कभी हार मत मानना अंकल जी, कुछ जितना मर्जी हमारे देश में कोई दुख आ जाए कुछ भी आ जाए हार नहीं माननी आपने। नहीं आप लोग से दुआ, आप लोग की कृपा से सर जी यहां पर लोग बहुत सब जानते हैं सर जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक वकील है सर जी, जी 10 सेक्टर में जी, वो भी आते हैं कॉलेज में, कहते हैं बेटे हिम्मत कभी नहीं, कुछ बात होगा तो वो वकील भाई साहब आते क्या कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी। हाँ तो बस ये देख लो आप, हिम्मत बना के रखनी है आपने, टूटना नहीं है भैया बस। बचपन से मैंने कभी नहीं हारा हूं सर जी। बस 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 बस। और जब से मैं शादी भी आ गया सबसे। बहुत लोग ना जैसे जैसे कोरोना काल आया बेरोजगार हो गए, उन्होंने दारू पीनी चालू कर दी, टेंशन लेनी चालू कर दी, हाय राम क्या होगा, लेकिन जहाँ पे वो 50,000 कमा रहे हैं 10,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं ये तो झटका लग गया, अब मैं जितने कमाता था उतना ही कमाऊंगा, फिर दारू पीनी चालू कर दी, लाइफ खराब कर ली अपनी। सर जी दारू पीने इंसान तो लोग पीते हैं,
बाकी अपने शरीरों को नहीं देखते। राइट राइट राइट, हम आप लोग के द्वार से सर जी, मैं अपने जब मेरी हाथे तकलीफ हो गया था जी, तो हमने 2 साल अपने शरीर को मजबूत किया सर। हाथ में जब तकलीफ हो गई थी 2 साल मजबूत किया आपने अपने आपको, हार नहीं मानी। लेकिन जो लोग दारू पी रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजों में जा रहे हैं, उनको ले क्या बोलोगे कि ये काम नहीं करने चाहिए, उनकी लाइफ के लिए क्या बोलोगे आप? जी नहीं, वे तो गलत हैं सर। गलत है ना जी, हार नहीं माननी, गलत काम नहीं करने, हिम्मत से काम करो सर जी। हाँ जी, हाँ जी, कभी नहीं हार मानना चाहिए सर। जब आपको दिक्कत आई तो आपने हार तो नहीं मानी? जी नहीं सर। क्या करा आपने ऐसा? ऐसा मेरे घर वाले भी हिम्मत बहुत दिए सर जी। दिए ना हिम्मत? जी हाँ, घर वाले मुझे बहुत हिम्मत दिए सर जी। उसको मैं कभी नहीं समझा कि मेरे घर वाले, मैं यह समझा कि मेरा ये जोड़ी दम्मा मेरा भाई है सर। बहुत बढ़िया, परिवार ने हिम्मत दिया। जी हाँ, बहुत हिम्मत दिए मेरे घर वाले सर। हाँ, ये धीरे 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 मैंने मजबूत, उंगली मराई करते रहे सर, काम करते रहे धीरे धीरे, फिर हाथ बैठ गए सर, फिर काम करते रहे। चलो खुश रहना अंकल जी, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।